हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिफरेंट तरह के फल की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, जो कि उत्तराखंड में ही मिलती है और स्पेशली सर्दी के सीज़न में ही आती है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये इसको बोलते हैं सिंबल। ये कॉटन ट्री एक प्लांट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसके फूल से बनती है। इसके बाद ये ऑलमोस्ट फेब्रुअरी मार्च, उसके बाद फेब्रुअरी लास्ट तक मिलता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर ये फल बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसमें लगती है कॉटन, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। बट हम कॉटन नहीं खाते हैं, हम ये वाली सब्जी बना के खाएंगे। इसको बोलते हैं सिंबल के फूल, यहाँ लोकल लैंग्वेज में ये है, वरना ये कॉटन ट्री का सीड है। अभी ये फ्लावर नहीं हुआ है, थोड़े दिनों के बाद इसमें से फ्लावर निकलेंगे, वो जो मार्च का रीज़न होता है। उसके बाद अप्रैल मई में इसमें कॉटन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम मैं आपको एक बता दिखा दूंगी कैसे इसको काटते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होती है, ये जो इसका ये पार्ट है एक्चुअल में, यहाँ से देखिए, ये जो ये पार्ट है एक्चुअल में ये खाया जाता है, और ये है पेटल आउटर, ठीक है। सेपल पेटल्स फ्लावर होते हैं, तो ये है वो सेपल। ओके, सेपल मीन्स होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर वाइट रेड कलर का फ्लावर होंगे, उनके जो पेलेट्स होते हैं, उनके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको पेलेट बोलते हैं, ठीक है। जिससे फ्लावर कवर होता है उसको सेपल्स बोलते हैं। क्योंकि मैं बॉटनी के स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो हमें क्या खाना होता है, ये बाहर का पार्ट मीन्स सेपल्स, हमें अंदर के पेटल्स नहीं खाने होते। तो हमें करना क्या है, हम ऐसे कट करेंगे, उसके बाद ये जो अंदर निकल दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें रेड कलर के लेयर्स दिख रही होंगी आपको, मैं आपको दिखाती हूँ ठीक से। दिखा, तो ये लेयर्स जो हैं वो पेटल्स की हैं, ये स्टेमेंस और स्टिग्मा वगैरह। तो ये हमें नहीं खाना होता है, हमें ये निकालना है, और ये बस बड़ी ही आसानी से निकल आता है। ये देखिए, बस ये खाना है। तो आप चाहे तो इसके एक और पीस कर सकते हैं, तो एक के चार टुकड़े, छोटे हैं तो एक के दो, बड़े हैं तो एक के चार कर लीजिएगा। बस ये मैं अलग रखती जाऊंगी, क्योंकि ये बिटर होता है, और ये ऊपर का हिस्सा काट दूंगी। इसके जो अंदर का टेक्सचर होता है, वो जैसे लेडीज फिंगर भिंडी काटते हैं तो कैसा लिप-लिप सा होता है, स्टिकी, वैसा इसमें भी होता है। तो इसकी जो सब्जी होती है इसीलिए ऐसी बनती है। तो मैं ना ये ऐसे करके दो पीस कर लूंगी इसके, एक एक और मीन्स चार टुकड़े करूंगी ऐसे। तो इसी तरह मैं बाकी सारे भी काटती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कि मुझे इसके लिए और क्या क्या चाहिए होगा। तो मैंने ये सारे कट कर लिए, और इसके साथ मैंने क्या किया, एक आलू इतना बड़ा साइज का, उसको भी इतने शेप में कट किया है, क्योंकि ये हमारी इतने छोटे शेप में। हमेशा सब्जी ध्यान रखिएगा, जब भी कट करें सारी सब्जियों का शेप एक होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही छोटे करिए, आप बड़े करिए या छोटे करिए, लेकिन सारी सब्जियों का जो शेप है ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मेजरमेंट लेके बैठ जाएं। तो एक टमाटर है, ये कुछ हरी मिर्च है, ये प्याज है एक, और बाकी ये सब्जियां हैं। उसके लिए मैंने मसालों में लिया है मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है, और ये जीरा पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, ये कुकर को, ये कुकर में फ्राई करेंगे। जब ये तेल हो जाएगा, जब ये कुकर हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे तेल। तो वो ज़्यादा मैं तेल नहीं डालूंगी, 1 टेबल स्पून तेल डालूंगी। उसके अलावा उसके बाद मैं इसे इसमें डालूंगी जीरा, देन प्याज, और उसके बाद अपनी सब्जी को डाल के भूनूंगी। मैं दिखाती हूँ, तेल हो गया है तो मैं इसमें डालती हूँ जीरा, हाफ टी। हाँ, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, और इसको हल्का सा, ज्यादा नहीं करूंगी फ्राई, ब्लैक नहीं करना है ये मिर्चे। इसको क्या करना है, बस मुझे
ऐसे मुझे वैसे मिर्च पसंद है, लेकिन इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में ये होता है कि जिसको पसंद नहीं है तो वो निकाल के हटा सकता है, तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी ये सब्जियां। इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं, पिंच। इसको स्लो कर दीजिए मीडियम आंच में, हाई मीडियम। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, ओके, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ी धनिया, थोड़ी धनिया नहीं, हाफ। इसको मुझे ग्रेवी नहीं बनानी, हल्की सी लसपस टाइप की बनानी है। हाँ, इसके बाद इसको कर लेंगे अच्छे से, इसमें थोड़ा सा अदरक मैंने मुझे पहले डालना चाहिए था, बट अभी मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डालूंगी। इसको वॉश करके ऐसे छोटे छोटे पीस करके और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर, आमचूर 1/4 teaspoon, ज्यादा नहीं, चूरनी बनाना है सब्जी को। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। उसके बाद लास्ट में ये टोमेटो, अब इसमें हम डालेंगे 1 cup पानी। वन कप नहीं, एक्चुअली 1/4 cup, क्योंकि मैं ना ग्रेवी नहीं चाहती हूँ, बस इतना पानी, यानी 1/4 cup। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, के बाद इसको देंगे प्रेशर कुकर में पका। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
तीन सीटियों के बाद जल्दी मेरी इसको मैं थोड़ा सा भूंज लेती हूँ क्योंकि मुझे ये ग्रेवी वाला नहीं चाहिए। इसे भूंज के फिर मैं इसको दिखाती हूँ। मेरी सब्जी भूंज गई है क्योंकि जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ये है। तो अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। तो ये बन गई मेरी सब्जी सिम्बा की। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग जाइए बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। मैंने धनिया पत्ते से इसको सर्व किया है। ये काफी अच्छी होती है स्पेशली वुमेन्स के लिए। वुमेन्स की जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है, कमर की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये काफी फायदा करती है और काफी अच्छी होती है। तो आप जाइए इसको बनाइए और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। मुझे थोड़ा एडिटिंग वगैरह नहीं आती, मैं सीख लूंगी, बट सब्जी आपको बहुत अच्छी मिलेगी बनाने को। वो आप अच्छे से बना के खाइए और मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।